बहुत बड़ी चुनौती है इस सूरत हाल में। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और दूसरी कांग्रेस अपना पूरा दमखम लगा रही है। हमारे साथ सदफ जाफर हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं असम की, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की हैं। क्योंकि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बीइंग अ विमेन, ये जो दो नारे हैं ये बहुत स्ट्रांग हैं। और इनका क्या इम्पैक्ट है, खास तौर से विमेन्स का क्या सोच रही है यूपी की? सदफ, अस्सलाम वालेकुम, हाउ वालेकुम, आर यू? इट्स सो गुड टू बी ऑन द बिल्कुल पैनल एंड शेयरिंग इट विद सच एमिनेंट पीपल लाइक अमार भाई एंड संजय कपूर जी, इकबाल मल्होत्रा, बादशाह। पॉलिटिकल लाइंस को परे उठकर भी अगर हम देखें तो आई हैव अ लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर भाषा। पता नहीं, आई होप मेरे पीछे का जो शोर है वो नहीं डिस्टर्ब कर रहा नहीं है नहीं 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 आपको। इट्स ओके इट्स ओके। या बिकॉज हमारे यहाँ ये बीजेपी की एक फैमिली है जिनकी यहाँ शादी है, और वो 2 दिन से हाई डेसिबल वॉल्यूम में हमें जो है वो अपने शादी का सेलिब्रेशन का हिस्सा बनाए हुए हैं। ये अलग बात है कि हम एंटी नेशनल हैं इसलिए इनवाइटेड नहीं है। तो खैर, एनीवे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए मैं क्या कहूँ, इसके लिए यही काफी है कि उसका 77% से ज्यादा का फंड जो है वो प्रचार प्रसार में इन्होंने खर्च किया है। जो पैसा बच्चे को एजुकेट करने के लिए इस्तेमाल होना था, जो पैसा सीसीटीवी कैमरास के लिए या बच्चों को अवेयर करने के लिए, जो पैसा उन तमाम चीजों के लिए लगना था जिससे कि हम अपने बच्चियों को एक महफूज एनवायरनमेंट दे सके जहां वो पढ़े, अपनी जिंदगी को तय कर सके कि क्या करना है, अपनी जिंदगी की चॉइसेस को, चाहे वो शौहर चुनने की पसंद हो, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, उसको पैदा होना। आज यूपी में इन्फेंटिसाइड और फ्यूटिसाइड इतना है, जहां सेक्स रेशियो इतना डिसबैलेंस होता जा रहा है, तो ये हमें इन तमाम चीजों के लिए ये खर्चे करने थे। लेकिन अफसोस कि हमने ये खर्चा सिर्फ प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश और मोदी सरकार ने किया है। आज भी आप देखें कि जिस तरह का झूठ, जब एक लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसको FIR करने के बजाय, उसको प्रोटेक्शन देने के बजाय, उसके सही मेडिकल जांच करने के बजाय हम उसको कैरेक्टर असैसिनेट करना बेहतर समझते हैं। हम तय करते हैं कि वो फला जगह क्यों थी, किसके साथ थी, क्या पहने थी। तो ये है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि उन्नाव में सेंगर हटाया नहीं जाता अगर विपक्ष और मीडिया एक साथ नहीं आता, जिस तरीके से उस बच्ची के पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया, उसको मारने की पूरी साजिश रची गई, कितनी बच्चियां हैं जिनकी FIR नहीं होती है और वो अपनी जान दे देती हैं। जिस तरह से हाथरस की लड़की को मार दिया गया और रातों रात जला दिया गया, अगले दिन आप देखते हैं कि उसकी भाभी जिस तरह के प्रेशर से वो लड़की गुजरी है। आसाराम बापू जेल में है लेकिन जो उसकी पीड़िता है वो उससे भी एक बहुत भयानक जेल में है। हम लोग जब उससे मिलने गए तो उसने कहा कि दीदी, बाहर जो आप पेड़ देख रही हैं ना, वो एक पौधा था जब मुझे कमरे में बंद किया गया था, आज वो पूरा दरख्त बन गया है, मैं बाहर नहीं निकली हूँ, क्योंकि मैं बाहर निकलूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। सीआरपीएफ डिप्लॉयड है हाथरस में, सीआरपीएफ हटेगी तो अपर कास्ट उस दलित फैमिली के घर जला देगी, ऐसा उनको डर है। तो देखिए, जब आपका महकमा, आप DM, आपका पुलिस, ये सारे लोग, आपकी एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के साथ मिलके एक लड़की की आवाज को दबा देना चाहती है, एक परिवार को दबा देना चाहता है, तो कैसे क्या हो सकता है? और ये सिर्फ दलित और मुसलमान लड़कियों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इसमें अपर कास्ट लड़कियां भी शामिल है, इसमें एजुकेटेड लड़कियां भी शामिल है, खेत में घास काटने वाली बच्चियां भी शामिल है। तो
बड़ी कैजुअली कह देना कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं किसी का, ये कह देना कि वो क्या पहनती हैं, क्या करती हैं, फला जगह क्यों थी, लव जिहाद में जिस तरीके से लोगों को एंटेगनाइज किया गया, इंटिमिडेट किया गया, मार दिया गया, उसका एक मिसाल है जिस तरह से अल्ताफ को 5.5 फिट के अल्ताफ को 2 फिट के 2.5 फिट के पाइप से काट के लटक के मर गया। मुझे अल्ताफ की फिक्र है, लेकिन अल्ताफ मर गया, उसका जिंदगी भर उसका गम उसके माँ बाप झेलेंगे। लेकिन ये भी है, पार्डन मी विद ऑल द बैकग्राउंड म्यूजिक, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अल्ताफ के साथ साथ मुझे उस बच्ची की फिक्र है जिसके वेयर अबाउट क्या है, किस तरह की इमोशनल मेंटल ट्रॉमा से वो बच्ची गुजर रही होगी, हम नहीं जानते। एक कंसेंट की बात है, एक एडल्ट महिला के कंसेंट की बात है, जिसको कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज किया गया जब रोमियो स्क्वाड बनाया गया। कहीं पे भी लड़के लड़कियां बैठे देखे गए, उन्हें हैरेस किया गया, पुलिस ने वसूली करी। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो उसमें प्रियंका गांधी जी लगातार जब से आई हैं, वो जो कहा जाता है संगठन को क्यों नहीं देख रही हैं, ये क्यों नहीं देख रही हैं, वो क्यों नहीं कर रही हैं, कांग्रेस का संगठन कहाँ है। हमें चुनाव लड़ना जरूरी है, लेकिन हम संवेदनहीन होके सिर्फ चुनाव के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जब एक लड़की सिसक रही है, उसका पूरा पूरा घर बर्बाद हो चुका है, उसके बाप को मारा जा चुका है, उसके वकील को मारा जा चुका है, हम कैसे सिर्फ चुनाव 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 के निस्बत हम चाहते हैं कि उस लड़की को गले लगा ले, उससे कहे कि हम तुम्हें वो ताकत देना चाहते हैं, वो सशक्तिकरण करना चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग देना चाहते हैं कि तुम मजबूती से अपने पैरों पे खड़ो, अपने हक की लड़ाई लड़ो, तुम्हें अपने लीगल राइट्स पता हो, तुम्हें अपने ह्यूमन राइट्स पता हो। कई जगह पे प्रियंका गांधी जी पहुंची जहां कोई नहीं पहुंचा। देखिए, चौराहे पे निकलकर डिमोंस्ट्रेशन कर देना एक अलग चीज होती है, लेकिन उस बच्ची को गम साझा करने के साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम उस लड़की को इतना एम्पावर करें कि वो कहे कि हाँ मैं लड़की हूं, मेरे घर में मेरा बेटी बेटा जैसा है, ये ना कहे कोई, कहे कि मेरी लड़की है और वो लड़ सकती है। हमने अपनी बेटी को हमने अपने बेटों को बेटियों की तरह पाला है, तो मेरी मदर ने कहा नहीं, मेरी बेटियों को मैंने बेटियों की तरह पाला है और हम एम्पावर्ड है हमारी बच्चियां। तो प्रियंका गांधी यकीन दिलाती हैं कि आज जब आपको यूपी में डर लगता है औरत होते हुए, ये कहते हुए कि हम एक औरत है और हम घबरा रहे हैं सड़क पे निकलते हुए, खेत में जाते हुए, पढ़ने जाते हुए, तो ऐसे सिचुएशन में प्रियंका गांधी कहती है कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूँ, आई एम एम्पावर्ड, आई विल फाइट नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ बट आई विल ऑल्सो एम्पावर अदर पीपल अराउंड मी। जो मर्द, और ये बहुत ये शाहीन बाग से निकलता है, ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये फार्मर्स आंदोलन से निकलता है, यहाँ पे दादियां निकल कर आई और कहा कि हाँ तुम मैं हम उठाएंगे लाठियां, मारे दम पुलिस है तो हमें लाठियां मारे। उन औरतों ने कहा कि हम सर्दी की रातों में निकल कर बैठेंगे, हाँ तुम हमारे मर्दों को मारते हो, आओ हमें भी मारो, हम बैठते हैं निकल कर। तो ये औरतों को कोई मतलब, ये कोई मतलब इट इज समथिंग जिसमें हम औरतों को पीछे खींचे कि राजनीति बहुत गंदी जगह है पैर रखने के लिए, वो कहती है राजनीति बहुत खूबसूरत जगह है, आप आइए एम्पावर होइए, एम्पावर करिए, एंड इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी, इट इज ब्यूटिफुल टू बी, यू नो टेलिंग अ गर्ल। जब मैं जाती हूँ लोगों औरतों के बीच में और मैं कहती हूँ कि तुमको तुम पढ़ोगी, तुम घर से निकलोगी, तुम नौकरी करोगी, हम तुम्हारे बच्चे संभालने का इंतजाम करेंगे, हम देखेंगे कि हाउ वी एम्पावर यू इन एवरी पॉसिबल वे, तो इकोनॉमिक सोशल हर तरह से उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से उनको एम्पावर करना, इकोनॉमिकली एम्पावर करना, पॉलिटिकली एम्पावर करना, सोशली एम्पावर करना, ये ना सिर्फ आपको पॉलिटिकली चैलेंज करता है बट ऑल्सो आपको सोशली चैलेंज करता है। और आप देखेंगे कि भाजपा जैसी जब या इस तरह की पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो पितृसत्ता कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि उनकी सोच मनुवादी है।
वो औरतों की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करती हैं, औरतों की कंसेंट को कंट्रोल करती हैं। वो कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के ब्लॉग में लिखा है कि औरतें घर में रहें, जब वो घर के बाहर निकल के काम करती है अपनी एनर्जी जाया करती हैं, जो उन्हें अपने बच्चों को पालने और घर के काम में खर्च करनी चाहिए। तो हम इसको कैसे चैलेंज करेंगे? हम इसको इसी तरीके से चैलेंज करेंगे, बाय एम्पावरिंग वुमेन, बाय मेकिंग देम फील दैट आई कैन फाइट। एंड इट इज इस हताशा के दौर में उत्तर प्रदेश में दिस स्लोगन रियली वर्क्स। एंड इट इज नॉट जस्ट अ स्लोगन लाइक बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अलवर में एक लड़की के साथ गैंगरेप हो जाता है, उसके सारे रेपिस्ट आज जेल में हैं, उस लड़की को कांस्टेबल बनाया गया। सो वी आर मेकिंग इट अ पॉइंट दैट, अभी बात हो रही थी महिला कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी, हमने कहा कि अगर बच्ची का बलात्कार हो जाए तो हम कैसे अपनी सरकारों को, जहां हमारी सरकारें हैं और जहां विपक्ष, जहां पे हम विपक्ष में, उनसे क्या मांगे रखें। तो हमारा कहना यह था कि भाई उनका सोशल इकोनॉमिक परिपेक्ष देखते हुए, उनका बैकग्राउंड देखते हुए, अगर वो लड़की एडल्ट है तो उसको सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, पर अगर वो लड़की माइनर है तो उसकी माँ को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। Because an empowered mother will make sure that the daughter is not on the street, she is not begging. तो ये तमाम चीजों को हमें देखना पड़ेगा। Empowering women economically, socially, politically, culturally is extremely important, and it is a determining factor in changing the politics of this country. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि 21वीं सदी में हम आज भी अपने मुल्क की बेटी के लिए उसको बचाने की या उसको उसको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और अभी हम जो हैं वो 16वीं सदी में ही अटके हुए हैं। इन अगर हम बच्चियों की, लड़कियों के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन होपफुली चीज़ें बदल रही हैं और जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है डे बाय डे पॉलिटिकली, रिलीजियसली, सोशली, वो कहीं ना कहीं इतना पॉजिटिव तो ज़रूर है कि लोगों ने अब सोचना शुरू कर दिया है उसके बारे में।